हेलो एंड वेलकम बैक टू द गेम ऑन। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। दोस्तों, हम सभी को पता है कि टीम इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप जीत चुकी है। 29 तारीख वो तारीख थी जब टीम इंडिया ने 11 साल बाद कोई आईसीसी ट्रॉफी उठाई और 17 साल के बाद T20 वर्ल्ड कप उठाया है। पता है कि 2007 में पहला वर्ल्ड कप उठाया था, उसके बाद अब उठाया है और सारी चीजें ऑन द वे चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था, सभी फैंस खुश थे, इंडिया में घर घर एकदम पार्टियां चल रही थी, हर जगह पर सेलिब्रेशन चल रहा था। लेकिन सडनली अब टीम इंडिया बारबाडोस में फंसती नजर आ रही है, जहां पर वर्ल्ड कप फाइनल खेला गया था टीम इंडिया वहीं पर फंसी हुई है। और उसके पीछे रीजन है, बहुत भयंकर तूफान वहां पर आ रहा है और ये भयंकर तूफान की वजह से टीम इंडिया जो है वो होटल में ही पूरी रात रुकी रही, होटल में ही कैद रही, कोई खिलाड़ी कहीं बाहर नहीं जा पाया। और ना सिर्फ खिलाड़ी, वहां पर सख्त नियम है कि इस तूफान को देखते हुए जितने भी सारे लोग थे वहां पर किसी को, मतलब एक प्रकार से आप कहें कि लॉकडाउन टाइप का लगा दिया गया है। सबको साफ तौर पर बोला गया है कि कोई बाहर नहीं जाएगा। जिस तरह से इंडिया में लॉकडाउन था, सेम सिचुएशन वैसी ही वहां पर नजर आ रही है। आपको जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का काम था, सारी चीजें थी, सब कुछ वहां पर ऑलमोस्ट बंद है। और तो आप सोच रहे होंगे इसमें दिक्कत क्या है, टीम इंडिया एक दिन होटल में रह लेगी, अगले दिन वापस आ जाएगी। लेकिन बड़ी समस्या यह है कि जिस होटल में टीम इंडिया रुकी है ना, वहां पर भी जितने काम करने वाले वेटर वगैरह थे वो सब ऑलमोस्ट छुट्टी पर हैं, कुछ ही लोग हैं वहां पर, और मतलब बहुत कम रिसोर्सेस में टीम इंडिया वहां पर रह पा रही है। और बड़ी बात यह है कि टीम इंडिया को पत्तल तक में खाना खाना पड़ा है, जिसे मतलब इंग्लिश में वहां पर कह रहे हैं कि पेपर प्लेट, जिसे हम लोग यहाँ पर इंडिया में पत्तल कहते हैं, तो वहां पर टीम इंडिया पत्तल में खाना खा रही है। ये सिचुएशन फिलहाल टीम इंडिया के साथ वहां पर है। अब टीम इंडिया वहां पर मुश्किल में तो फंसी हुई है। अब ये जैसे तूफान थमेगा उसके बाद कुछ तैयारियां होंगी, फिर टीम इंडिया आएगी और सीधे मुंबई नहीं जाएगी, टीम इंडिया जाएगी पहले दिल्ली, प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी उनकी, उसके बाद सारी की सारी प्लानिंग होगी कैसे क्या कुछ करना है। ये सारी की सारी चीजें वहां पर आपको होती हुई साफ तौर पर नजर आएंगी। अब इससे पहले इसके बाद अगर एक और बात करें तो वो ये चीज है कि सिर्फ प्लेयर नहीं फंसे, जितने भी जर्नलिस्ट थे, जितने भी बाहर के जर्नलिस्ट थे, इंडिया के जर्नलिस्ट थे, ब्रॉडकास्टर थे, सारे के सारे उस तूफान की वजह से वहीं वेस्ट इंडीज यानी बारबाडोस में फंसे हुए हैं। वो बहुत भयंकर तूफान है, इसीलिए लगभग पूरा का पूरा वेस्ट इंडीज ऑलमोस्ट बंद है, फ्लाइट्स बंद है, जितना भी नॉर्मल गाड़ी वगैरह सारी की सारी चीजें आप बंद मान के लिए, कुछ मतलब बहुत जरूरी कुछ इम्पोर्टेंट काम होगा तो हो रहा होगा, तो ऑलमोस्ट सब कुछ बंद है। ये हालात फिलहाल वहां पर आज के दिन के लिए। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस टाइम उसकी टाइमिंग है कि वो तूफान आने वाला है, तो ये साफ तौर पर है कि आज रात टीम इंडिया फिर से वहीं बिताएगी, उसके बाद हो सकता है वो कल वहां से ट्रेवल करेंगे इंडिया आने के लिए। तो ये सारी की सारी चीजें थे फिलहाल। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया को इससे मुसीबत का सामना करना पड़ेगा तूफान में, या फिर कुछ नहीं, नॉर्मल चीजें हैं, कल आराम से ट्रेवल कर जाएगी इंडिया, जो भी आपको लगता है जल्दी कॉमेंट करके बताइए।